नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला जारी है। लगातार वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को अपने निशाने पर ले रहे हैं। आज भी उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के बाद उन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो यात्रा है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, उसके पहले भारत जोड़ो यात्रा वो निकाल चुके हैं। दोनों ही यात्रा जो है कि काफ़ी विफल हुई है। जहां जहां से ये यात्राएं गुजरी वहां पर कांग्रेस टूटी है, भारत टूटा है और ये जो क्रम है लगातार जारी रहेगा। उन्होंने इस दौरान का जो कांग्रेस नेत्री हैं सोनिया गांधी उनसे चार सवाल पूछे, साथ ही राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। मित्रों, कल राहुल गांधी जी ने मुंबई में अपनी एक और विफल फिर से कर यात्रा का समापन किया। राहुल जी ने दो यात्राएं की और वो दो यात्राएं भारत जोड़ो कांग्रेस तोड़ो कांग्रेस छोड़ो यात्रा साबित हुई और जहां जहां से गुजरी वहां कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई और न्याय यात्रा ने भी कांग्रेस के साथ अन्याय ही किया। जहां जहां से वहां गुजरे कांग्रेस या तो हारी या शीर्ष नेताओं ने पार्टी छोड़ी। मैं राहुल जी और खड़गे जी से आज चार सवाल पूछ रहा हूं और उनका जवाब चाहता हूं। देश जानना चाहता है वो जवाब दें। जब अयोध्या में भगवान श्री राम की दिव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब जब संपूर्ण देश आनंद उत्साह और भक्ति से सरोवार था, निमंत्रण उन्हें भी मिला था कि वो सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व में शामिल हो, उन्होंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होने का फैसला क्यों किया? निमंत्रण ठुकरा दिया। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस की इस ऐतिहासिक भूल के लिए उनको जवाब देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में बहनों और बेटियों के साथ जो अमानुषिक मध्ययुगीन अत्याचार हुए, अन्याय हुए, घिनौने कृत्य हुए, बहनें सड़कों पर उतरी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उनके समर्थन में एक भी बयान नहीं आया। क्या ये आपकी तुष्टिकरण की नीति नहीं है? एक बात मैं पूछना चाहता हूं, देश भी जानना चाहता है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जो जनता के दिलों में बसते हैं, देश पूरा उनका परिवार है, उनके खिलाफ राहुल जी उनकी पार्टी के नेता आपत्तिजनक बयान देते हैं, ये भारत की संस्कृति नहीं है। प्रधानमंत्री के पद पर आसीन एक ऐसे नेता जो विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं और सारी दुनिया जिनका सम्मान करती है, उनके खिलाफ नित्य असभ्य शब्दों का इस्तेमाल, क्या यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन का चरित्र है? कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और इससे तो ये अब सिद्ध हो रहा है कि कांग्रेस में अब कोई नेतृत्व नहीं बचा। कांग्रेस की सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने
लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ा, जनता के बीच से चुन के जाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाई, इसका जवाब भी जनता चाहती है, उनको इन प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।